तो हेलो गाइस, अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि ये कौन सी जगह है, और अगर दिल्ली के नहीं हैं तो मैं आपको परिचय करवा देती हूँ इस जगह का। तो ये जो है अगर आपको एक्चुअल एरिया बताऊं जिससे आप पहचान जाओ तो करोल बाग। तो ये करोल बाग से आपको आगे पड़ेगा झंडे वालन मंदिर। तो ये झंडे वालन मंदिर है और यहाँ पर मैंने विज़िट किया है ऑफ़ कोर्स दर्शन करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए। जो लोग नहीं आ सकते वो इस वीडियो के द्वारा दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा तो होगी ही, अगर आप उनको दिल से यहीं से ही प्रणाम करें तो भी, याद करें तो भी। तो जगह जगह आपको देखने को मिल रहे होंगे बढ़िया बढ़िया से, सुंदर सुंदर से जो हैं यहाँ पर नज़ारे भी होंगे और साथ में दान पेटियाँ भी होंगी। मंदिर भला बिना दान पेटियों के तो हो ही नहीं सकता, तो जितना आए जी चाहे उतना आप दान करें। मैं तो वैसे दान नहीं करती रुपयों में, मुझे पसंद है अगर आपको दान करने का इतना ही शौक़ है तो जो ज़रूरतमंद है उनको आप खाना खिलाएं, क्योंकि खाना खिलाने से अच्छा कुछ नहीं है, यानी किसी की भूख मिटाने से और किसी प्यासे को पानी पिलाने से। तो बेटर है आप जो है खाना पीना खिलाएं और बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए इस तरीके की मदद करें, उससे भगवान खुश होगा, ना कि आपके ये चंदे से जो कि उनके पास तो नहीं जाता ना ही उनके किसी काम आता। बट हाँ, जो उनके भक्त लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको अगर देते हो तो भगवान ज़रूर खुश होते हैं। तो आप देखते जाइए, जैसे जैसे मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, तो ये जो मंदिर है काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी सुंदर भी है। पहले से काफ़ी इसमें बदलाव आ चुके हैं और ये एक झंडे वाली माता की थोड़ी सी छवि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर और भी बहुत से भगवान को, जो भगवान की मूर्तियाँ हैं उनको स्थापित किया गया है। और वैसे भी भगवान की मूर्तियाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भगवान तो आपके भीतर ही होते हैं, मंदिरों में केवल मूर्तियाँ होती हैं। तो दिल से आप जहाँ भी हो वहाँ पर ईश्वर को याद करें और अच्छे इंसान बने, लोगों की मदद करें, इसी में ही आपका कल्याण हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बार हर जगह मंदिर जाकर नारियल फोड़ने की ज़रूरत हो, घंटियाँ बजाकर भगवान को परेशान करने की ज़रूरत हो। तो आप मंदिर का सारा नज़ारा देख रहे होंगे, काफ़ी आलीशान है यहाँ, टॉयलेट बाथरूम भी आपको मिल जाएगा, भंडारा भी चलता रहता था, लेकिन अभी क्या है कोरोना वायरस की वजह से जो है यहाँ पर इतनी ना ही भीड़ मिलेगी आपको और ना ही भंडारा वगैरह इन दिनों में ये करवा रहे हैं, और उसके अलावा ना ही आपको अंदर प्रसाद वगैरह ले जाने की अनुमति है। तो ध्यान रखें आप जो है अंदर केवल खाली हाथ जाएं, हाँ लेकिन दान पात्र है, आपको यहाँ पर जो है चंदा देने की पूरी पूरी छूट है, बट कोई भी प्रसाद फूलमाला नारियल वगैरह कुछ भी लाने की कोई परमिशन नहीं है। तो ये जो है मैंने पूरा मंदिर का दर्शन कर लिया है, चारों तरफ से घूमकर आ चुकी हूँ, जितना हुआ उतना आपके लिए रिकॉर्ड करके इस वीडियो में मैंने शो करने की कोशिश की है कि आप देख सको और मंदिर के दर्शन अच्छे से कर सको। तो ये मंदिर काफ़ी सुंदर और बड़ा है, यहाँ पर बैठकर बहुत ही मन को शांति मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ, काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ जो है अंदर कुछ भी ले आने की परमिशन तो नहीं है, बट यहाँ से अब आपको जाते वक्त प्रसाद ज़रूर मिलेगा। प्रसाद अलग अलग तरीक़ों का मिलता है, ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मैं एग्ज़िट कर रही हूँ, और यहाँ पर आपको अलग अलग प्रसाद मिलेगा खाने के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। आप ज़रूर यहाँ से प्रसाद लें और उसे ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रसाद बनाया जाता है बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से जो है बनाया जाता है। ये मेरे जो है पैर हैं जिसमें मैंने जुराब यानी सॉक्स पहन रखे हैं और मैं एग्ज़िट कर रही हूँ, बिल्कुल अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। तो एक बार और जाते वक्त चरण स्पर्श कर लूँ मंदिर के, बस अब हम यहाँ से बाहर की ओर जाएंगे, क्योंकि दर्शन हो चुके हैं अच्छे तरीके से मंदिर के। अब बाहर जाते हुए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि मैंने एंट्री गेट का तो आपको शो नहीं किया, सीधे मंदिर में आपको लेकर आ गई। यहाँ से एग्ज़िट होता है और आपको जो है बाहर ही जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें उतार कर आना पड़ता है। आप अगर प्रसाद वगैरह लेते हो तो वहाँ पर भी जो है अपने जूते वगैरह छोड़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर जो है जूते जो है रखने का है सिस्टम, वहाँ पर अपने जूते आप रख सकते हो और उनसे टोकन ले सकते हो, फिर आप मंदिर में एंटर कर सकते हो। तो मैंने भी सेम ऐसे ही किया था, तो मैं बाहर आ चुकी हूँ, मैं अब यहाँ से अपने जूते लूँगी और अपने घर को प्रस्थान करूँगी प्रसाद खाने के बाद।
तो यहीं ये व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू सुनने के लिए और देखने के लिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।